हेलो दोस्तों, तो वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह के बज रहे हैं 7 और हम लोग निकल रहे हैं फेमस जगहों पे नाश्ता करने के लिए। हालांकि होटल में भी कर सकते थे, लेकिन धारणा का प्लान हुआ कि जो फेमस फेमस जगह है दिल्ली में खाने के लिए, वहां पे चलते हैं खाने के लिए। तो सुबह के 7 बज रहे हैं, हम लोग नया हुआ कुछ है नहीं, जाएंगे भी नाश्ता करके आएंगे, उसके बाद हम लोग को यहाँ पे जाना है ऑफिस के लिए। फेमस मिठाइयाँ, फेमस खाना भी दिखाएंगे। चलिए मिलते हैं। हेलो दोस्तों, तो अभी हम लोग बैठे हुए और जा रहे हैं होटल, जहाँ पे शायद आपको पता नहीं होगा, मैं बता दूँ कि मैंने फॉरेंसिक में टॉप टॉप किया है। तो इंडिया का पहला डिजिटल फॉरेंसिक क्लैब खुल रहा है, जहाँ पे मुझे अवार्ड सर्टिफिकेट मिलने वाला है, वहीं पर जा रहा हूँ ज्वाइन करने। अभी हम लोग दिल्ली मेट्रो में जा रहे हैं नोएडा। देख सकते हमारे साथ कार्तिक है, कभी घर पर छुट गया है क्योंकि रोता बहुत, इसलिए हमने उसको घर पर छोड़ के कार्तिक को ले लिया और हम लोग होटल से निकल के मेट्रो में। कार्तिक को देख सकते हैं आप लोग, बन रहे हैं। तो वीडियो बने रहे, हम लोग आगे आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाएंगे कि क्या क्या होने वाला है हमारे लोग के साथ। दोस्तों देख सकते हैं पीछे के बैकग्राउंड, हम लोग हैं दिल्ली मेट्रो में जा रहे हैं नोएडा। तो आप देख सकते हैं मजा आ रहा है, कभी कार्तिक को मजा आ रहा है पहली बार मेट्रो में बैठे। धारणा तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा रहा? और माहौल भी बढ़िया है, लोग दिल्ली आएंगे वापस, एक्सप्लोर करेंगे, वीडियो में दिखाएंगे आप लोग, एक ही ब्लॉग में सबको दिल्ली नोएडा सब कुछ कवर कर लेंगे। तो दोस्तों हम लोग आ गए हैं इंडिया गेट। अभी सुबह का फुटेज दिखाया था और डायरेक्ट मैं रात का दिखा रहा हूँ। कार्तिक सो गया है और धारणा को देख रहे हैं, कुछ चबा रही है, लग रहा है भुट्टा चबा रही है, खा रही है, कुछ भी कह लो। और अभी हम लोग हैं इंडिया गेट पे। इंडिया गेट शायद कोई ऐसा, शायद ही कोई ऐसा होगा जिसको ना पता हो इंडिया गेट के बारे में। इंडिया का सबसे खूबसूरत, दिल्ली की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है इंडिया गेट। अभी हम लोग वहाँ पर हैं। अभी हम लोग यहाँ पर बहुत सारे फुटेज बनाएंगे, बहुत सारे वीडियोस कवर करेंगे जो हमारे ब्लॉग में आपको आगे देखने को मिलेगा। तो ब्लॉग में आप हमारे बने रहिएगा, लास्ट में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आपको देखने को मिलने वाला है, शायद आप लोग मिस मत करिएगा, अदरवाइज आपकी ये प्रॉब्लम है। बाकी धारणा देख रहे हैं चबा रही है, कुछ लग रहा है मेरा फेवरेट, चरने को इसको कुछ ना कुछ चरने को चाहिए होता है हमेशा। तो अभी चर के आई होटल से, अभी चर रही है भुट्टा, और भुट्टा इसको दे दो कितना भी तो चर जाती है, चाहे 10 ठो 15 ठो दे दो एक बार में खा जाएगी। कार्तिक देख रहे हैं सो गया, इसको बेचारा पता ही नहीं कि दिल्ली में है कि बनारस में है, खैर ठीक है। और पीछे से हम लोग देख सकते हैं नज़ारा, कहाँ पे हम लोग, नज़ारा पीछे का बहुत खूबसूरत है, पता नहीं कि कहने की ज़रूरत ही नहीं इंडिया की कितना खूबसूरत जगह है दिल्ली का। तो आइए दिल्ली, तो इंडिया के ज़रूर आइएगा घूमने। और पीछे देख सकते हैं सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का ये फुटेज है और ये स्टैचू का है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को बताने की जरूरत नहीं कौन है, आप लोग खुद जानते हैं, एक महान हस्ती, महान शख्सियत, गांधी जी से बेहतर। तो पीछे देख सकते हैं आप लोग इंडिया गेट, और हम लोग इंडिया गेट पे, कार्तिक गया जग, तो वीडियो में कार्तिक भी आ जाएगा। इंडिया गेट पीछे देख सकते हैं तिरंगे के कलर में, धारणा अभी चल रही थी तो नीचे अपना कर लिया, अभी खाएगी फिर से, वो अभी चरना फिर से स्टार्ट करने वाली। वो देख सकते हैं इंडिया गेट पे हम लोग अभी लाइव हैं, सॉरी इंडिया गेट पे हमारा फुटेज है। और शाम को बज रहे हैं अभी 8 बजने को है, 7:45 हो रहा है और फुटेज अभी का है। देख सकते हैं कितना भीड़ है पीछे हमारा, देख सकते हैं भीड़ ही भीड़ चारों तरफ इंडिया गेट पर लोग जुटे हुए हैं, काफ़ी लोग दूर दूर से आए हैं देखने के लिए इंडिया गेट, क्योंकि इंडिया गेट तो इंडिया गेट के दिल्ली का दिल है, दिल्ली का दिल है इंडिया गेट। आइए कभी इंडिया गेट आप लोग घूमिए, और भी फुटेज में आगे मैं दिखाने वाला कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जो आपने कभी सुना और देखा नहीं होगा। अब आप लोग इंडिया गेट को बहुत ही नज़दीक से देख सकते हैं, यहाँ पे पीछे ये धारणा अभी भी कुछ न कुछ चढ़ रही है लग रहा, क्या खा रही हो जी? कार्तिक भी जग गया, कार्तिक हाय कर दो, टाटा कर दो कार्तिक। कार्तिक लोगों को बोलो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। आप देख सकते हैं इंडिया गेट का, ये इंडिया गेट दिल्ली का इंडिया गेट, और हम लोग बहुत करीब से वीडियो बना रहे हैं। आप देख सकते हैं तिरंगे कलर में रंगा हुआ है, और पीछे भीड़ भैया देख सकते हैं, कोई कहने की जरूरत नहीं कितना भीड़, दूर दूर तक लोग सबका गर्दन ही दिख रहा है और कुछ नहीं दिख रहा भैया इसमें। और अब पीछे से नेताजी सुभाष चंद्र बोस का स्टैचू आप देख सकते हैं, उनके बारे में बताने की जरूरत नहीं है, एक महान शख्सियत, महान नेता, हिंदुस्तान को एक नया आयाम देने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस, गांधी ने तो कुछ किया ही छोड़ो। और पीछे देख सकते हैं भीड़, भीड़ के पीछे देख सकते हैं इंडिया गेट, और पीछे को देख सकते हैं धारणा को, अभी भी कुछ न कुछ खा ही रही है, ठीक है
आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा जरूर और हमें वीडियो को शेयर करिएगा और भी आगे बहुत इंटरेस्टिंग चीजें इस फुटेज में आपको दिखाने वाले हैं। तो इतने देर घूमने के बाद अभी हम लोग होटल के लिए प्रस्थान कर रहे हैं यहाँ से, और इतने देर घूमने के बाद हम लोगों का जो रिजल्ट निकला है कि चारों तरफ गार्डन ही गार्डन है यहाँ पे, और इंडिया गेट पास हमको लगता है पर डे लाख लोग तो विजिट करने आते ही होंगे नियर बाय दिल्ली से। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे एक चीज देखने को मिला है यहाँ पे कि कोई सिक्योरिटी नाम की कोई चीज नहीं यहाँ पे, मतलब कुछ भी हो सकता समझ, ऐसा है सिक्योरिटी के नाम पे बस दो CISF वाले हैं जो इंडिया गेट के जस्ट नीचे राइफल लेके खड़े हैं, उनका काम बस लोगों को देखना है कोई अंदर ना है बस। खैर ठीक है वो तो बात तो NSA का है मैटर, हमसे कोई मतलब नहीं है, मैं अपना राय दे रहा था। हालांकि इसके चारों तरफ गार्डन ही गार्डन है, लोग पार्टी करने, पिकनिक मनाने, घूमने, मौज मस्ती करने यहाँ पे आते हैं। धारणा आगे के बारे में बताइए कुछ नया चीज। हाय हेलो एवरीवन, देखिए इधर फाउंटेन है, वो भी तिरंगे रंग में रंगा नहीं लाइटिंग है और आप पीछे भी देख सकते हैं कि कितने लोग हैं क्या है चारों तरफ लोग ही लोग हैं सर ही सर हैं देखिए मौसम कितना अच्छा है बजरी पड़ रख रही है। बनारस में तो बहुत पानी बरस रहा है मगर यहाँ जब से आए हैं तब से सिर्फ बादल ही बादल हैं, अभी तक बारिश नहीं मिली हमें। वो बहुत गर्मी है, बहुत ज्यादा गर्मी है, गर्म है भाई, वीडियो में डालना है। इधर देखिए दूसरी तरफ भी आप देख सकते हैं, इधर मेरे पीछे मैंने उस साइड दिखाया था, अब इस साइड देखिए इधर भी पीछे लोग ही लोग। तो धारणा ने आपको बहुत सारी चीजों को दिखाया बताया, और जैसे कि मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि बहुत ही खूबसूरत जगहों में से एक है दिल्ली का इंडिया गेट। आप आए जरूर आए घूमने फिरने मौज मस्ती करने, हर सारी चीजें वहाँ पे यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे जो आपने शायद कभी देखा भी ना होगा। और खास तौर पे अगर मेरे पाकिस्तानी भाई दूसरे देश से या नेपाल से गए, बांग्लादेश से, किसी और कंट्री से अगर देख रहे हैं तो आप देख सकते हैं इंडिया गेट दिल्ली का दिल समझ लो एक तरह से, और दिल्ली को भारत का दिल बोलते हैं। और हम लोग अभी होटल के लिए जा रहे हैं, और ऐसा सुनने में आया कि बनारस में सुबह से लगातार बारिश ही बारिश हो रही है, मतलब कंटिन्यूस बारिश हो रही है। कह रहे हैं कि मतलब अब तक का सबसे रिकॉर्ड बारिश हुई है बनारस में, जब हम लोग की नहीं है, हम लोग तो डेफिनेटली आपको बारिश में घूमने जाते हैं, हम लोग की आदत है बारिश होती तो देखने जाते ही जाते हैं। और कार्तिक राजा आप देख सकते हैं कर रहे हैं इसी में, बैग में अपने टंगे हुए हैं। क्या ठीक है, अच्छा लगा दिल्ली घूम के। कल हो सकता है कल हम जामा मस्जिद जाएं, लाल किला जाएं, घूमने के बाद कल हम लोग का फ्लाइट है बनारस के लिए। चलिए और कुछ फुटेज होगा तो आपको अभी कनेक्ट कर रहे हैं। हाय, आप देख सकते हैं अब कार्तिक का हो गया एक्सचेंज, और कार्तिक चला गया धारणा के पास, धारणा का बैग आ गया है मेरे पास। कार्तिक देख सो के उठा है, बताओ धारणा कुछ इंडिया गेट पीछे आप देख सकते हैं रंग बिरंगी तिरंगे के कलर में। हाय एवरीवन, हम हैं अभी नई दिल्ली इंडिया गेट पे जी, और बहुत मजा आ रहा है, मगर बस एक ही खराबी है कि बहुत गर्मी है और चारों तरफ पार्क ही पार्क है और लोग ही लोग हैं और सर ही सर हैं जिधर देखो, मगर बहुत मजा आ रहा है। इंडिया गेट कह सकते हैं नई दिल्ली का हार्ट है इंडिया गेट, जहाँ पे लोग घूमना नहीं भूलते हैं दिल्ली आने के बाद, जरूर आते हैं। तो आप भी आइए और आप भी अपनी फैमिली के साथ घूमिए नई दिल्ली का इंडिया गेट। तो दोस्तों हम लोगों ने अब वीडियो का ये आखिरी फुटेज होगा जो आप देख रहे हैं पीछे, लाल इंडिया गेट देख सकते हैं तिरंगे के आकार में, दिल्ली का एक तरह से कह सकते हैं दिल है इंडिया गेट। और तिरंगे के बारे में तो कुछ कहने की जरूरत है ही नहीं, तिरंगा हमारे देश का, हमारा हर बच्चों का, हर बूढ़ों का, सबका जान है शान है, तिरंगा हमारी पहचान है। क्या ठीक है, वीडियो आप लोगों को सारे ब्लॉग में देखने पर अगर अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करो। एक चीज़ और बताना भूल गया कि साइबर फॉरेंसिक सेल एग्जाम में मेरा 6th पोजीशन आया है, और सुबह मुझे माननीय मंत्री श्री जयशंकर सिंह की तरफ से मुझे अवार्ड और सर्टिफिकेशन भी मिला है, वो फुटेज मैं आपको वीडियो में ऐड कर दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। और मेरे लाइफ का एक तरह से कह सकते हैं अचीवमेंट था ये। और कैसे भी साइबर सिक्योरिटी IT सर्विसेज अगर हमसे हेल्प चाहिए होगा तो हमें कमेंट करें, मैसेज कर सकते हैं, आपको साइबर सिक्योरिटी या IT सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होगा आप मुझे याद जरूर करिएगा। खैर ठीक है, ब्लॉग का आखिरी फुटेज होगा, थैंक यू सो मच, चैनल हमारा सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।